अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये है बहरीन का ख़ूबसूरत सा मॉल और जिसका नाम है सीफ मॉल। ये एक सीफ इलाका है, एरिया है, बड़ा ख़ूबसूरत सा। पीछे जो मेरे बैकवर्ड पे जो इलाका है वो सीफ एरिया सारा, और जो मेरे इन फ्रंट है इस टाइम एक ख़ूबसूरत सा मॉल वो है सीफ मॉल। इसका मैं फ्रंट लोकेशन जो है ना आपके साथ दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये सीफ की मेन एंट्रेंस है और एक ख़ूबसूरत सी इनकी पार्किंग है। और ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो एरिया सारा, ये सारा सीफ एरिया है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये सीफ मॉल है सारा। सो चलें चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। ओके जी, अब मैं मौजूद हूँ बिल्कुल फ्रंट पे सीफ मॉल के बिल्कुल स्टार्ट पे एंट्रेंस पे। और ये जी इसका बिल्कुल फ्रंट व्यू है, साथ इसकी ये पार्किंग लॉट है। और एक इसकी जो फिफ्थ एंट्रेंस है, एंट्रेंस लेयर जो है वो यहाँ पर है, ये फोर्थ एंट्रेंस है, और इसी तरह ये थर्ड वाली है, और वो आगे सेकंड है, और आगे फर्स्ट वाली है। तो अभी हम चलते हैं फोर्थ से चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर है फोर्थ वाली एंट्रेंस है, तो हम लेयर फोर से चलते हैं, एंटर होते हैं अंदर। ये जिन की फोर्थ एंट्रेंस है, और यहाँ पर एक खूबसूरत सी शॉप है, रेस्टोरेंट है, और ये चेक करें आप। लें जी, अब ऊपर आ चुका हूँ और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, बड़ा फेमस ब्रांड है, पाकिस्तान में भी है मिनीसो, मोस्टली बेबीज़ के लिए होता है। और ये आप व्यू चेक करें यहाँ से, ये सीन है, ठीक है। और ये इसका बाकी व्यू है, बाकी ये चारों साइड्स पे जो है वो शॉप्स हैं इसकी। तो चलते हैं, हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक और ब्रांड है, बुटीक है कोई, कैंपोस फैशन लेडीज़ है। और एक ये है, ये भी लेडीज़ है। सो व्हाट्स नेक्स्ट। सो कमेंट्स में बड़ी फरमाइश आ रही थी व्यूअर्स की कि हमें गुची और बिन्सी भी दिखाएं। तो यार जैसे जैसे मैं ख़ुद एक्सप्लोर करता जाऊंगा और वैसे वैसे आपको दिखाता जाऊंगा, क्योंकि मैं भी सेकंड टाइम आया हूं यहां पर बहरीन में, और ज़्यादा इतना घूमा नहीं हूं, यानी कि पूरा मॉल तो नहीं बंदा एक्सप्लोर कर सकता। सो जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता जाऊँगा वैसे ही आपको, आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊँगा। ये एक ब्यूटीफुल वॉच शॉप है, और दानिया परफ्यूम्स अरेबिक शॉप है। मटालन ये लेयर थ्री। अच्छा जी, ये एक ब्रांड है जी यूफोरिया के नेम से, लेकिन ये तो एक बुटीक है इन इस ब्रांड के साथ। तो मैंने भी जो है वो इनकी मार्केटिंग का जो है वो काम किया हुआ है इनके साथ। सो इसके इससे तो मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ यूफोरिया के साथ। सो ये व्यू चेक करें आप, बड़ा ख़ूबसूरत व्यू है। और
सो बाज़ लोग मुझे कह रहे थे कि यार तुमने जो पिछला वॉकिंग टूर करवाया था सिटी सेंटर मॉल का, उसमें तुम्हारी जो है ना वॉइस ओवर थी, ना तुम्हारी खुद शक्ल दिखाई दी। तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा कि यार ये वॉकिंग टूर होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता कि आप जो है वो अपनी शक्ल दिखाएं या आप जो है वो वॉइस ओवर दें। अच्छा जी, पीछे मेरे है KFC और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है इनका फूड कोर्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये KFC है और ये एक खूबसूरत सामने बोट है और मैजिक आइलैंड है इसका नाम, बच्चों के लिए है। ये है जी मचा बीस, ब्यूटीफुल लिटिल शॉप, 4 फुटीज। यार मैंने यहाँ से ना नैंडोज का खाना था मील, लेकिन ना मसला ये कि मैं अभी भी जो है वो कोल्ड कॉफ़ी पी कर आया हूँ, सो दैट्स वाई जो है ना आई एम फुल। ये मैडो है और ये आइसक्रीम शॉप है, आइसक्रीम पार्लर है। वाह, इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की है, जिस तरह बास्किन रॉबिन्स की है सेम इनकी भी वैसी ही है। और एक ये शॉप है, नाइस। एक है जी ये यास्मीन लेबनीज, यानी एक लबनानी जो है वो होटल है, ये एक लबनानी होटल है, ठीक है। और ये एक है जी योशी जैपनीज फ्यूजन, यानी एक ये जैपनीज होटल है। और ये है जी मेडो बेकरी, जिनकी आइसक्रीम बहुत फेमस है। और ये मैडम साहिबा वही जो है वही सर्व कर रही हैं, अभी इनकी ख़त्म हुई है। लेकिन ये है डोंडरमा सोसलेरी, ये कॉर्न्स इनकी जो है वो इनके डोनट्स वगैरह बहुत फेमस हैं। और ये भाई साहब अपना काम से अंजाम दे रहे हैं। तो ये होटल है, नाइस, इंडोर होटल्स बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। एक ये जूस शॉप है, हाँ ये है जी मचा बीस, एक ये जो है वो इंडोर रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ जी, पीछे चेक करें आप, एक अरेबिक ट्रेडिशनल जो है ना इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। हामा टाउन में कल गया था और एक मैंने जगह ना मंदी खाई थी, तो वहाँ पर 3 किस्म का जो है वो सेटअप था, लाइक ये जिस तरह इन्होंने नीचे रखे हुए हैं कुशंस वगैरह, आप टेक लगा कर भी जो है वो खा सकते हैं, अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है ना यही सेटअप था कि आप जो है वो मील इंजॉय कर सकते हैं कुशंस पर भी, और आप जो है वो सोफ़र्स पर भी जो है वो बैठ सकते हैं, चेयर्स भी हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ना। तो बताने का मकसद है यहाँ पर जो अरेबिक है ना ट्रेडिशन वो मोस्टली यही है जो कि पाकिस्तानीज भी जो है ना फॉलो करते हैं रेस्टोरेंट्स में, जिस तरह लाइक जो है वो रोटी शोटी हो गया, या एक दो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अब जो है वो इसको फॉलो करने लगे हैं। अच्छा ये है, चेक करें आप, शिप, ब्यूटीफुल पायरेट शिप, बच्चों के लिए जी मैजिक आइलैंड। वो बच्चों का जो है वो सामने प्लेइंग एरिया है। ये है जी KFC, साथ पापा जॉन्स, और ये चेक करें प्लेइंग एरिया इनका ना, प्लेइंग एरिया बड़ा लिमिटेड सा है लेकिन इनका प्लेइंग एरिया बहुत ज़बरदस्त है। वो चेक करें, वो बॉलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये बच्चों की कुछ जो है वो राइड है, हाँ ये वीडियो गेम्स हैं, और वाओ किड्स वर्ल्ड सलोन, नाइस। अच्छा मैं सिटी सेंटर के प्लेइंग एरिया में गया था, किड्स प्लेइंग एरिया में, ये देखिए बच्चों का सलोन है और ये जो है वो इनसाइड जो है ना इनका प्लेइंग एरिया है। Thank you.
एक ये ऑक्टोपस है बच्चों का, नाइस। ओ आ गई ट्रेन, आ गई भी ट्रेन आ गई। और आ रही ट्रेन वो सामने, तो ये ट्रेन की पटरी बंद हो गई है तो हम आगे चलते हैं। यार इनका तो बहुत बड़ा जो है वो प्लेइंग एरिया है बनाया हुआ इन्होंने बच्चों के लिए, ज़बरदस्त। जी हम प्लेइंग एरिया से निकल चुके हैं और ये फूड कोर्ट भी साथ ही है बिल्कुल। और अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है इनका सिनिको, जिस तरह आपको मैंने दिखाया था ना सिटी सेंटर का वो था आईमैक्स था, इनका जो है वो ये सिनिको है। और यहाँ पर भी जो है ना एट लीस्ट कोई 20-25 जो है ना इनकी हैं क्या उसको कहते हैं इनके सिनेमा हॉल्स एट अ टाइम, जहाँ पर मूवीज है ना वो चल रही होती हैं। ये चेक करें आप, सुपरमैन साहब, ये मिस्टर बैटमैन है, और ये टिकट्स काउंटर है जहाँ से आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं मूवीज़ के लिए। और ये जनाब यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ पर सारे के सारे सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं आगे, ठीक है बस। अच्छा जी ये कुछ फिल्म्स हैं जो इस टाइम करंटली चल रही हैं, वो है कन्नर स्क्वाड, नेंगोगोन, और ये है जी पॉ पेट्रोल द माइटी, और ये अब आई है जी वैक्सीन वॉर, एक्सपेंडेबल्स देखनी है यार, इसका ये भी लगा हुआ है पोस्टर, और जवान भी है अभी, इक्वलाइजर भी है, चिथा भी है, फुकरे थ्री भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। और हाँ वैसे भी अब ज़्यादा जो मोस्टली मुझे इंतज़ार है ना वो है एक तो वेलकम थ्री का और सेकंड टाइगर थ्री का, सो इसकी जो है ना एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी। ये सीफ का मैंने जो फर्स्ट टाइम बहरीन आया था पिछले अक्टूबर में, और जो सबसे पहला जो मॉल था ना मैंने एक्सप्लोर किया था विज़िट किया था वो यही सीफ मॉल था, और जो सबसे पहली मूवी देखी थी वो भी सीफ मॉल में देखी थी। और इनके भी जो सिनेमाज है ना वो बहुत बड़े हैं और बड़े जी स्टेयर्स लिफ्ट से नीचे आ चुके हैं। और ये जी स्पेंसर्स था पहले, ये मैंगो है, यहाँ पर सारे जो है ना इंटरनेशनल ही हैं ब्रांड्स, ठीक है क्या ओके। और ये है जी अल हवाज फॉर इसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, इनकी एक बड़ी फ्रेंचाइज है। और ये नेक्स्ट है, उसमें लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, आप परचेज कर सकते हैं। और ये है जी गैस, ये भी एक जो है ना बड़ा फेमस ब्रांड है, बुटीक है बड़ी फेमस गैस लेडीज़। और ये है याकूबी स्टोन्स, वो स्टोन्स वगैरह मिलते हैं लाइक सिल्वर के स्टोन्स, चांदी के, और जितने भी जो चांदी के अंदर लगते हैं ना स्टोन्स। सो यार अब मैं फिफ्थ लेयर से बाहर जा रहा हूँ, फोर्थ सेंटर हुआ था सो मैंने तीसरी भी देखी है लेयर, और अब फिफ्थ से जो है वापस जा रहा हूँ, ठीक है। वापस इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, टायर्ड इस वजह से हूँ क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से जो है ना इधर सीफ एरिया में घूम रहा हूँ, कुछ काम थे वो करने थे, जिसकी वजह से मुसलसल जो है ना कंटिन्यूसली पैदल चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो है आपको मैं जाऊँगा घर, और ये फिफ्थ लेयर से जाना मैं बाहर जा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए होए होए
यार व्यू चेक करो बस तुमने, कमेंट करके ज़रूर बताना व्यू कैसा है। वो देखिए सीफ मॉल के वहाँ से मेन एंट्रेंस है, ये फोर्थ लेयर से हम अंदर एंटर हुए थे, ठीक है, उधर थर्ड लेयर में भी गए थे, सही है, और अब ये फिफ्थ लेयर से बाहर है, ठीक है। वो सामने मैंने आपको दिखाया था पहले, वो सीफ एरिया सारा, ठीक है, और ये सीफ टावर है, न्यू कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह का एंटरटेनिंग और मज़े मज़ेदार जो व्लॉग्स हैं वो आपको मिलते रहें टाइम से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।